आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत उतरदा के जो गौठान बना हुआ है, नेवता बांध के किनारे में जो गौठान बना हुआ है उसी जगह आज हम लोग पहुंचे हैं। और हाँ, बंद मुड़ा का बांध है उसी समय उसी जगह आज हम जो गौठान बना है, आज जो सरकार चला रही है बारी का जो चला रही है काम, उसी सिलसिले में आज हम इस जगह में पहुंचे हैं। और इस जगह जितने कार्यरत हमारे भाई और बहन लोग हैं जो इस जगह में काम करते हैं, उन लोगों को लगभग 2 साल हो गया यहाँ पे काम करते हुए, लेकिन आज तक उन लोगों को उनकी मेहनताना का जो रोजी है वो नहीं मिला नहीं हुआ है। और वे दयनीय स्थिति को इस जगह में रह के काट रहे हैं, दिन रात इस गौठान की सेवा कर रहे हैं, गौठान को सजा रहे हैं, लेकिन उन लोगों को उनकी मेहनताना रोजी है वो अभी तक नहीं मिला है। और वे लोग पूरी रीति से सचिव और रोजगार सहायक के कार्य को देख के पूरे त्रस्त हैं। और वे आइए हम उनके पास आए हैं तो उन्हीं लोगों की जुबानी सुनते हैं कि वो कितने दिन यहाँ पे काम किए हैं, कितना रोजी उनको मिलता है और कितने दिन का रोजी उनको नहीं मिला है। आइए उन्हीं के मुख से हम लोग सुनते हैं। तो भैया आपका क्या नाम है? तो आप लोग यहाँ पे कितने दिन होगा आपको काम करते? कोई पहले यहाँ में ना दो दिन कोई दिन के लगा हूँ अम्मा तो लिख के रखे। मतलब जब से गौठान बनना हाँ। स्टार्ट हुआ है हाँ। तब से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं हाँ। तो आपको रोजी कितना मिलता है? वही मनरेगा में जो लिखा है वही दे रहे हैं हाँ। कितने दिन हो गए आपको, मतलब कितना रोजी अभी तक आपको मिला है? आपको 2 हफ्ते 2000 तो काम करते कितने दिन हो गया? वो बता तो है 2 साल हाँ। 2 साल हो गया अभी पूरे नहीं 2 साल नहीं है 1.5 साल हाँ। 1.5 साल आपको हो गया काम हाँ। करते और अभी तक आप 2000 रुपए केवल पाए हैं हाँ। तो आपका बाकी पैसा अभी तक कैसे नहीं मिला? सचिव अब आ गया था, अब आ गया ऐसे बोल रहा है तुम्हारा 2 बीघा 2 बीघा सचिव घुमा रहा है घुमा रहे हैं पैसे के लिए पैसे। और आप अभी भी काम कर रहे? अभी भी काम करा था और पैसे के लिए आपको सचिव घुमा रहे हैं। और आज कल आएगा परसों आएगा ऐसा कहते देखिए ना दे की एला 2 बनवा के ला जैसे कर हर चीज दे दे ये काल के लिख के फिर काल गए रहे था। ये यहाँ पे लिखा है कि इसमें ना स्टेटमेंट निकलवा कर लाने के लिए बोला है इनके बैंक खाता का तभी हम आपको पैसा देंगे, ऐसा करके 2 साल हो गए इन बेचारों गरीब मजदूरों को या रोजगार सहायक है और सचिव है वो झुला रहे हैं और मजदूरी को नहीं दे रहे हैं। आइए और भैया है उनसे भी पूछते हैं कि ये कितने दिन से यहाँ काम कर रहे हैं और कितना इनको रोजी मिला है। भैया आपका नाम? संतोष कुमार मरावी। तो भैया आपको कितने दिन हो गया यहाँ पे काम करते? 10 महीना हो गया। 10 महीने में आपको कितना रोजी मिला है? 1 रुपया 1 रुपया नहीं मिला। 10 महीने से आप यहाँ पे फ्री में काम कर रहे हैं। आएगा बोल रहा है हाँ। उसके बाद फिर बोला कि खाता में चेक करवाओ, खाता नया खुलवाया, पहले खुलवाए थे वो तो बंद हो गया, फिर दूसरा खुलवा के दिए तो गया नहीं है, आएगा बोल रहा है। फिर लीक कर दिया कि पुराना खाता का मतलब फोटो का उसका निकाल के लाओ कहते, मतलब इसमें लेन देन किए हो कि नहीं किए, तो मैं तो इसमें पैसा भी नहीं जमा किया हूँ न इसमें पैसा निकाला हूँ, तो कहाँ से तो आएगा? देखते हैं इनको क्या बोले हैं। अच्छा, इस अंकल को भी स्टेटमेंट अपने अकाउंट का स्टेटमेंट निकाल के लाने के लिए बोले हैं तो 10 महीने से हो गया, 10 महीने हो गया इनको अभी तक 1 रुपए भी पैसा नहीं मिल रहा है। और इस लॉकडाउन की स्थिति में ये बेचारे लोग यहाँ पे दिन रात रह के अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा है। ये है हमारे ग्राम पंचायत उतरदा के सचिव और रोजगार सहायक के करामात। और हमारे बीच में भैया है वो भी नहीं पाए हैं, ये उनका उनसे भी जानते हैं कि उनकी क्या समस्या है। भैया आपको कितने दिन हो गया यहाँ पे काम करते हैं और आपका नाम क्या है? अभिमन्यु सागर। तो बताइए भैया आपको कितने दिन हो गए यहाँ पे काम करते हैं? 1.5 साल हो गया। 1.5 साल में आपको कितना रोजी मिला है? सिर्फ 2000 रुपए। तो और क्या कारण बता रहे हैं रोजी नहीं देने का? हमारा ये कारण बोलता है कि मान लीजिए उसमें आपका आधार कार्ड नहीं चल रहा है कि वो खाता जो है लेट हो गया है, तो अगला पैसा आता है तो उसी में तो आता है, एक ही तो आधार कार्ड है कि खाता है ना भाई हाँ। तो अगला इधर उधर से पैसा आता है वो तो उसी खाता में आता है हाँ। ये मनरेगा वाला पैसा क्यों नहीं आता है? ये पूछे है आप ये क्या बोले? तो वो बोलता है कि आप लोगों का फिर से माने वो क्या निकालने के लिए बोला है? स्टेटमेंट निकाल के उसमें क्या होगा? उसे निकालने से क्या फर्क पड़ता है? वो तो पैसा डालेगा खुद जानेगा, उसको तो खुद पता होगा कि मैं डाला हूँ या ना डाला हूँ।
फिर स्टेटमेंट निकालने का मतलब क्या हो रहा है, ये हम उसको पूछने जाते हैं तो ऐसे वैसे करके भगा देता है हम लोग को हिसाब से ला करके। अच्छा फिर यहाँ जब हम काम करने आते हैं तो धमकी चमकी देता है, आप लोग काम नहीं करते हो वैसे नहीं करते, भाई हम चरवा रहे हैं, गौ रहेगा तो चराएंगे, गौ नहीं रहेगा तो इधर उधर घूमता फिरते रहे चौकीदार की तरह रहते हैं। अच्छा इसमें लगा हुआ है सौर ऊर्जा पैनल लगा हुआ है, तो इसमें का कोई सामान अगर एक बोल्ट अभी अगर कोई चोरी करके ले गया तो पहले मैं आप लोगों को अंदर करूंगा, उसके बाद में मैं हूँ सचिव बोलता है, तो आप तीनों को बोलता है, तीनों को बोलते हैं कि इसमें से कोई भी सामान, ये जो 6 HP का बोर लगा हुआ है इसमें से छोटा सा भी नट चोरी होगा तो मैं आप तीनों को अंदर करूंगा, ये बोलता है। तो कितने दिन मतलब रात को आप लोग यही रहते हो? रात को हमारा काम नहीं, रात को तो बोले सर जाकू मैं बता दू मैं 8-9 बजे तक मैं यहाँ रह सकता हूँ, जाता हूँ मुर्घर ही करा है, हाँ इस शुरू घर हरे मैं और उस समय ला काम लाए में कच में जाता हूँ। तो आइए और आज देख रहे हैं कि यहाँ पे सचिव है और रोजगार सहायक के मजदूरों को धमकी दे रहे हैं और पेमेंट तो दे नहीं रहे हैं और धमकी ऐसे दे रहे हैं कि ये लोग चोर हैं, इस तरह इन लोगों को धमकी दिया जा रहा है कि तुम लोग यहाँ पर जो बोर का 1 HP का जो 5 HP का जो बोर है वो चोरी होगा, उसमें छोटा सा नट भी जाएगा तो सबसे पहले मैं तुम लोगों को अंदर करूंगा, ऐसा करके धमकी दे रहे हैं। और हमारे बीच में बहन लोग भी हैं, आइए उनसे भी पूछते हैं कि उन लोगों को कितने दिन का रोजी मिला है और क्या काम किया है। बताओ आपका नाम क्या है? ज्योति मरावी। दीदी आप कितने दिन से यहाँ काम कर रही हो? 1.5 साल से। 1.5 साल में आपको कितना अपना मेहनताना रोजी मिला है? 2000 बस मिला है। तो क्या बोलते हैं रोजगार सहायक सचिव, क्या बोलते हैं? खाता में आ जाए ऐसे बोलते थे ना, पैसा वैसा डलावा ना उतना था इसे के तो खाता में आ जाए ऐसे बोलते। तो आता है आपके खाते में? नहीं एक बार तो छो गया होली समय था बस। और अभी तक आपको नहीं मिला है? नहीं। दीदी आपको कितने दिन हो गए यहाँ काम करते? आपका नाम क्या है? मोबाइल। तो इतने 1.5 साल के कार्यकाल में आपको कितना पैसा मिला है अभी तक? 2 हफ्ता का 2000 रुपए। और अभी तक फिर नहीं मिला पैसा? नहीं मिला है। ठीक, आपकी क्या समस्या है, क्या बताता है आपके आपको? आज भी पैसा ऐसे करते बस बोझ लोग का बात तो आबे नहीं कर पैसा चेक कराया जाते हैं था। खाता में डला कौन बोलते हैं? रोजगार सहायक और सचिव।